हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? तो गाइज, अभी सुबह का 10 बज गया और फाइनली फ्रेश होकर रेडी हो गए हैं। तो आज मुझे जाना है पटना साइंस म्यूजियम में। चलिए आप लोगों को भी लेकर चलते हैं साइंस म्यूजियम। आज जो मैंने 30 ब्लॉग 30 डेज का टारगेट जो मैंने लिया था, आज फाइनली कम्प्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट टारगेट आप लोग कितना दिनों का देने वाले हो बताना आप लोग। चलिए अभी यहाँ से चलेंगे पटना साइंस म्यूजियम में। यहाँ से पहले जाएंगे हाजीपुर, हाजीपुर से फिर बस पकड़ेंगे, उसके बाद चलेंगे पटना साइंस म्यूजियम, गांधी मैदान। गांधी मैदान के पास नहीं पड़ता है साइंस म्यूजियम। चलिए आप लोगों को लेकर चलते हैं। जो भी लोग न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे, न्यू वीडियो का ब्लॉग का जो भी हो। चलिए चलते हैं। तेरे नाम हमने किया है। तो फाइनली गाइज, अभी हम साइंस सेंटर में पहुंच गए हैं। इस साइंस सेंटर का नाम है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। तो ये बाहर से देखने के बाद कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अभी टिकट लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। गाइज, म्यूजियम में आके तो बैठे हुए टिकट लेकर के, अब जा रहे हैं इसके अंदर में। ये सामने ये म्यूजियम और हम इस साइड में बैठे हुए, अभी जाएंगे इसके अंदर में, घूम के देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट बार आया हूँ। चलिए चलते हैं अंदर। गेट से एंट्री करते टाइम ये फर्स्ट में गेट से एंट्री करते हैं, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। साइंस का टेक्नोलॉजी है। ये पेड़ है जिसपे ताली बजाने के बाद पूरा लाइट जलने लगता है। और ये नल देख सकते हैं, इसमें कोई साइंस का यूज नहीं किया, जादुई नल के नाम से है, जो ये बड़ी कल्पना को दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हो, पहुँच करके पढ़ सकते हो आप लोग। ये सब पूरा भी साइंस का टेक्नोलॉजी ही था यहाँ पे। अब चलिए ऊपर लेकर चलते हैं आप लोगों को। तो इधर आ गए, यहाँ बच्चे का गेमिंग जोन वगैरह बनाया हुआ था, जो खेलने उलने के लिए हर चीज़ यहाँ पे व्यवस्था किया गया था साइंस सेंटर में। देख रहे हो यहाँ पे, ये सिर्फ बच्चे के लिए स्पेशलिस्ट, ऊपर सेकेंड फ्लोर पे यहाँ पे ये बनाया हुआ था। देख सकते हो यहाँ बच्चे लोग सारे खेल रहे हैं इस तरफ में। देखिए म्यूजियम के अंदर हम ट्रेन में बैठ गए, तो लग रहा है कि मेरे खेत में चल रहा है। अब चल रहे हैं भूल भुलैया के अंदर में, इसके अंदर। चलिए हम तो चल रहे हैं। भाई जी, इसके अंदर जाने के बाद ये तो मिरर इमेज था, जो पता नहीं चल रहा, हर जगह से मिरर ही लगा हुआ रहता, जो पता नहीं चलता है कि हाँ किस तरफ मुझे जाना है। लेकिन रास्ता अंदर में होता है, बट भूल भुलैया नाम ही है ना, मिरर इमेज है, जो सामने मिरर रहता है उसमें पता नहीं चल पाता कि किधर किधर से क्या है। अब चलेंगे। पता नहीं चल रहा था, बट अब दिख रहा है मूड। और इधर ये देखिए, ये भी ऐसा दिख रहा है ना, पूरा व्हाइट पूरा इसमें कलर हो जाएगा। उधर अंदर में जो ग्राउंड अंदर में जो था, उससे बाहर निकलने के बाद यहाँ पे गार्डन टाइप का बनाया हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे कुछ पार्क जैसा बनाया हुआ है, जो बैठने के लिए कुछ खास देखने को मिला नहीं है। देख रहे हो आप लोग, ये सब यही सब बैठने के लिए सब बनाया हुआ था। गार्डन भी है, छोटा छोटा फूल वगैरह सब बहुत अच्छा से ढंग से लगाया हुआ था। और ये सामने नल चल रहा है जिसमें कुछ पानी दिख नहीं रहा, पानी मतलब जिस तरफ से गिर रहा है वही दिखाई दे रहा है। देख रहे हो ना, कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें। चलिए अब आगे आप लोगों को घुमाते हैं, पूरा मेरे साथ घूमते रहिए, पूरा ब्लॉग देखिए आगे। अब ये तो हम बैठे हुए हैं, उसके बाद राउंड घूम रहे हैं। अब एक और चीज आगे चलिए दिखाते हैं। अभी हाँ तू दिखा जो कुछ दिख रहा है इसमें। सीधे हाँ तू ही दिखता है। सीधा देखोगे तो पता चलेगा ना। ये देखिए इसको पूरा, ये तो ऊपर चढ़ के देख रहे हैं भैया जी, पता नहीं क्या देख रहे हैं। ये पूरा दोनों चांगस लगाए हुए हैं।
हट दो यार। और ये हम आ गए एक सर्कल बना हुआ, तो उसी पे बैठे हुए, वो नच रहा है तो चारों तरफ पक्षी कर ले रहे हैं। जल्दी जल्दी खा लो तू लो। इधर गुस्सा ही नहीं खाने जा रहा है, वो दोनों उधर खा रहे हैं, ये तो चुपचाप बैठा है। इस साइड में जब आए थे तो डायनासोर का हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ, डायनासोर किस तरीके से लुप्त हुआ वो सब लिख लिख करके यहाँ पे लगाया हुआ है। बुला रहा है। बात नहीं मान रहा है। फ्रंट व्यू म्यूजियम का कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से पूरा घूम लिए हैं, अब यहाँ से चलेंगे अब बाहर। चलिए चलते हैं बाहर। मुझे लग गया था भूख, तो हम आ गए बटाटा पूरी और भेल पूरी खाने के लिए जो अंकल जी सामने बना रहे हैं। फाइनली गाइस जी घूम करके तो आ गए हैं, पूरा घूम के आ गए। शाम का भी 7 बज गया है और अभी वीडियो एडिटिंग करेंगे फिर अपलोडिंग करेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बता देना। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो आप लोग तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि न्यू वीडियो का अपडेट, ब्लॉग का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।